बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दुनिया के दो सबसे अमीर इंसान हैं और आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बिजनेस बिल्कुल अलग अलग हैं और उन दोनों को एक दूसरे के बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने बिजनेस में इतना ध्यान लगा रखा है कि दूसरे के बारे में जानने का टाइम ही नहीं है। जिंदगी में सिर्फ एक ही काम में अपनी पूरी शक्ति और पूरा ध्यान लगा देने से सक्सेस के चांसेस 1000 गुना बढ़ जाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न है और जहाँ से उसकी शुरुआत होती है वहाँ से एक एक बूंद गिरती है और हर एक बूंद के बाद दूसरी बूंद गिरने में 8 सेकंड का टाइम लगता है। इतना धीरे धीरे एक एक बूंद गिरने के बाद भी दुनिया की सबसे लंबी नदी बनती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एक बूंद ने हर 8 सेकंड में गिरने का नियम हजारों सालों से नहीं तोड़ा। वो कभी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, उसने कभी रेस्ट नहीं लिया। दुनिया में करोड़ों लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं, करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी अलग अलग काम करने में बांटते रहते हैं। एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं, ऑलराउंडर बनना चाहते हैं और किसी भी एक काम पर नहीं टिक पाते। एक काम पर नहीं टिक पाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब वो कई काम शुरू करते हैं और थोड़ी सी परेशानी आती है तो वो अपना काम बदल लेते हैं, अपना गोल ही बदल लेते हैं। अगर सचिन 6 महीने क्रिकेट खेलने के बाद ये सोचता कि अब बैडमिंटन खेलता हूँ, क्रिकेट में सक्सेस नहीं मिल रही, फिर अगले 6 महीने बाद सोचता कि अब फुटबॉल ट्राई करता हूँ, बैडमिंटन में तो मज़ा नहीं आ रहा, तो वो क्रिकेट का गॉड नहीं बन पाता। लता मंगेशकर अगर अपनी पूरी जिंदगी केवल सिंगिंग को नहीं देती तो वो इतनी महान सिंगर और भारत रत्न नहीं बन पाती। जिसने अपनी सारी एनर्जी किसी एक काम में, किसी एक दिशा में लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकती। दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक काम में लगा दी और उसको सक्सेस नहीं मिली हो। एक बार एक आदमी को चोरी के इल्ज़ाम में राजा के सामने लाया गया। आदमी ने मान लिया कि उसने चोरी की है तो राजा ने उसको सजा दी कि या तो 100 प्याज खा लो या 100 कोड़े खा लो। उसने तुरंत बोला कि प्याज खा लूँगा। जब उसने खाना शुरू किया तो 5 प्याज खाने के बाद उसकी हालत ख़राब हो गई, मुँह में जलन होने लगी और आंसू भी आने लगे। उसने बोला प्याज और नहीं खा सकता, मैं 100 कोड़े ही खा लूँगा। अब उसको कोड़े पड़ने लगे। 8-9 के बाद वो दर्द सहन नहीं कर पाया और बोला रुको, कोड़े तो सहन नहीं कर पाऊँगा, मुझे प्याज ही दे दो। 10 प्याज खाने के बाद फिर से उसकी हालत ख़राब हो गई और उसने बोला प्याज नहीं खा सकता, कोड़े ही ठीक है। वो बार बार ऐसे ही करता रहा, 100 प्याज भी खा गया और 100 कोड़े भी खा गया। सज़ा तो दोनों में से एक ही खाने की थी लेकिन उसको डबल सज़ा मिल गई क्योंकि वो एक काम में परेशानी को सहन नहीं कर पाया। जो लोग थोड़ी सी परेशानी आती है उससे लड़ते नहीं हैं और अपना काम बदल लेते हैं, उनको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिल पाता। ज़मीन के नीचे 600 फीट गहराई में पानी मिलेगा और आप 60-60 फीट के 10 खड्डे खोद लोगे तो क्या पानी मिल पाएगा? आपने टोटल 600 फीट तो खोद लिया, पूरी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट 0 ही मिलेगा क्योंकि एक जगह नहीं खोदा। बिल्कुल यही होता है जब आप अपनी एनर्जी अलग अलग काम में लगा देते हो, बार बार अपना काम बदल लेते हो। एक ही काम करो लेकिन पूरे मन से और लगातार करो, ये एक हैंडपम्प जैसा है, एक बार रोक दिया तो फिर से पानी एकदम नीचे से खींचना पड़ेगा। इसको लगातार चलाते रहो तब बड़ी सक्सेस मिलेगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।